हेलो डियर चिल्ड्रन, दिस इज महेश कुमार एंड यू आर अगेन हेयर विद मी ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज जेनिपेक्स एजुकेशन। डियर चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अनदर पोयम रिटन बाय और कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, इट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल पोयम विद अ ग्रेट मोरल टीचिंग। ओके, एंड एज ऑलवेज कैरी अ स्ट्रांग मैसेज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोयम। इससे पहले थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जो मेन चीजें हैं वो और देख लीजिए। इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है, जो कि लिटरेचर और जर्नलिज्म के फील्ड का नोबेल कहा जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड है। 31 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज के लिए, जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। ये पोएट लॉरिएट रहे अमेरिका में। ओके, इसके अलावा भी इन्हें और कई सारे ऐसे अवार्ड्स दिए गए जो कि अदर वर्ल्ड में आउट ऑफ अमेरिका वेरी दे आर नॉट वेरी पॉपुलर। ओके, तो इसलिए हम उनके नाम यहाँ नहीं मेंशन कर रहे। तो बेसिकली ये इनकी क्वालिटीज हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के जबरदस्त पोएट माने जाते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ थे, टेनिसन थे, उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत बड़ा पोएट माना जाता है नेचर का। ओके, तो चलिए पोयम पर आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओके, तो पहले स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का एंड होगा और वो एंड होगा फायर से, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं आइस से एंड होगा। मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक पोएट जानता है, पोएट अब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है कि जहां तक मैंने डिजायर को देखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया जो एंड होगी वो फायर से होगी। अब देखिए, यहां बात हो रही है डिजायर की, यहां हो रही है फायर की। ओके, तो इसकी वजह मेन ये है कि जो फायर है उसको ये डिजायर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, फायर जो है उसको सिंबॉलिकली ये डिजायर से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी फायर और डिजायर को सीधे सीधे कंपेयर किया है पोएट ने। तो यहां इस तरह से है, नेक्स्ट लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आगे पोएट कहता है, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार एंड होना हुआ तो मेरा मानना यह है कि हेट भी कम नहीं है। ओके, अगर फायर और डिजायर अगर दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं तो ऐसे ही हेट और आइस भी कम नहीं है। ओके, और ये भी दुनिया को एंड कर सकते हैं सफिशियंटली। ओके, दे आर ऑल्सो सफिशियंटली पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, द पोएट वॉन्ट्स टू से। ओके, तो ये पोयम का आपका एक लिटरल मीनिंग था। वैसे पोएट इनके द्वारा जो अपना ब्रॉडर मैसेज देना चाह रहा है वो ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ हमने देखा है अलग अलग रिलीजन में कल्पनाएं की गई हैं, इस्लाम धर्म में भी कल्पना है ऐसी, ऐसी आपके क्रिश्चियनिटी में भी है, ऐसी सनातन धर्म में भी है कि दुनिया का एंड हुआ है। पीछे भी उन्होंने माना है कि एंड हो चुका है और वो मानते हैं कि आगे भी एंड होगा, एक जजमेंट डे आएगा, दुनिया एंड हो जाएगी। ओके, तो उस दिन फिर जो है दुनिया एंड होगी, यानी फिर से दुनिया एंड होगी। ओके, तो तरह तरह से कल्पना की गई, अधिकतर ने ग्रेट फ्लड्स को ही माना है रीजन उसका। तो कुछ कुछ उसी थीम से आइडिया लिया है पोएट ने, ऐसा कुछ रिलेट करके दिखा रहा है। यानी यहां धर्म और स्पिरिचुअलिटी और उसने जो आज का जो टाइम है उसको जोड़ दिया है। ओके, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया है ना, तो उन दोनों को जोड़ करके दिखा रहा है वो कि जैसे कि हमारे धर्मों में भी कहा गया है कि दुनिया का एंड होगा, वैसे ही हम मानते हैं कि दुनिया का एंड होगा। ओके, हालांकि जो उसमें कहा गया उसमें रीजंस कोई बहुत ज्यादा इनफ नहीं दिए गए, उसमें उन्होंने सिर्फ नेचर को माना है। तो यहां पोएट जो है यहां नेचर के साथ साथ इंसानों को भी शामिल कर रहा है। ओके, जो फायर है फायर के साथ साथ डिजायर को भी शामिल कर रहा है, डिजायर को फायर से कंपेयर किया है उसने। ओके, तो ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़ दिया कि दोनों की वजह से ही डिस्ट्रक्शन होगा। ग्रेट फ्लड्स की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो डिस्ट्रक्शन
इंसानों की डिजायर्स भी कर सकती हैं। यहाँ इंसानों की डिजायर्स मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रांग और एग्रेसिव ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको डिजायर रिप्रेजेंट करता है। डिजायर्स का मतलब है स्ट्रांग, और जो एग्रेसिव डिजायर, जो इच्छाएं हैं उतनी हमारी, वो यानी ग्रीड, यानी फ्यूरी, बहुत ज्यादा गुस्सा, कन्फ्लिक्ट, क्रूएल्टी, लस्ट, इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। ओके, और जैसे कि वर्ल्ड वॉर भी हो चुके हैं 2 बार, इससे पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं, तो ये माना जाता है, जैसे आज का और खासतौर से आज का जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है, जहाँ एक से एक खतरनाक एटॉमिक वेपन्स हैं, तो वहाँ इंसान के द्वारा भी एंड किया जा सकता है। ओके, उसी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो फायर से वो कह रहा है, वो उसी को कह रहा है कि फायर से एंड होगा, तो नेचुरल फायर तो है ही है, वहां वहां डिजायर भी है, इंसानों की इच्छाएं दुनिया पे कब्जा करने की, दुनिया पे अपना राज करने की, उसकी एम्बिशंस। ओके, उनकी वजह से वो, उसका लालच बढ़ता है, लालच की वजह से वो अपने साथ साथ दूसरों की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना चाहता है, वो बड़े से बड़ा बनना चाहेगा, दूसरों की कीमत पे बड़ा बनना चाहता है। ओके, तो पोएट उसी के लिए वार्न कर रहा है आपको कि इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, तो रिलीजन और ह्यूमैनिटी दोनों को जोड़ दिया है, फायर एंड आइस। ओके, जैसे फायर करता है वैसे आइस भी। अब देखिए आइस क्या करेगा, फायर से तो हो गया कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है उनसे। आइस, आइस मीन्स कोल्ड फीलिंग्स, है ना, जब हमें किसी दूसरे के दुख परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस अपनी लाइफ जी रहे हैं। ओके, तो इससे भी दुनिया तबाह हो सकती है। यानी पोएट आपसे कह रहा है कि आप थोड़े से कंपैशनेट बनो, अगर इंसान, कोई दूसरा इंसान, क्या जानवर भी, अगर परेशानी में, उसकी मदद करो। ओके, बी काइंड फॉर द नीडी, अगर किसी को जरूरत है तो वहां पे उसके काम आओ, मोरल टीचिंग है आपके लिए। ओके, यू आर द फ्यूचर सिटीजन्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ नॉट ओनली योर ओन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, बट रादर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ग्लोब। ओके, तो इसीलिए वो आपसे एग्जॉर्ट कर रहा है कि जैसे कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको इल विल्स नहीं पालनी है, आपको ऐसी डिजायर्स, ऐसी एम्बिशंस नहीं पालनी है जिससे कि लड़ाइयाँ हों, जिससे कि युद्ध हों, वैसे ही आपको कोल्ड भी नहीं बने रहना, इतना ज़्यादा इंडिफरेंट भी नहीं बने रहना वर्ल्ड से कि आप पे, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आप पे कोई फर्क ही ना पड़े। ओके, यानी आपको हमेशा सचेत रहना है, आपको अपनी आंखें कान खोल करके रखना है, अगर कोई मान लीजिए जरूरतमंद है तो उसकी मदद भी करनी है, जितना लड़ाइयां ना करना जरूरी है उतना ही नीडी की हेल्प करना भी जरूरी है। ओके, यही पोएट आपसे चाहता है। तो यहां ये आपके लिए मोरल टीचिंग्स हो गई इसकी। ओके, इसके अलावा वो जो आगे आपसे जो मैसेज देना चाह रहा है वो ये कि इन्वायरमेंट के प्रति भी पूरे तरह से कॉन्शियस बनो, है ना, सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपका अगर मान लीजिए आप जैसे जैसे कि इस समय हालात बना रखे हैं अपने, हमने लालच के चक्कर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, उससे हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं बुरी तरह से, उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस खड़ी हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए भी दुनिया बर्बाद हो सकती है। तो कुल मिला के वो एक आपकी होलसम लाइफ में, पूरी मतलब लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस सभी में डिजायर्स जैसी चीजें और आइस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फायर और आइस दोनों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन सब से बच करके चलने को कह रहा है, मिडिल पाथ अपनाने को कह रहा है। ओके, आपसे एग्जॉर्ट कर रहा है पोएट कि ऐसी चीजें कभी मत करो, ऐसी चीजों से बच के रहो जिनसे कि डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट आ सकते हैं, जिनसे कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है वर्ल्ड में। ओके, बी अ गुड ग्लोबल सिटीजन, द पोएट वॉन्ट्स यू टू बी अ गुड ग्लोबल सिटीजन, एन आइडियल ग्लोबल सिटीजन एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, क्योंकि आज के वक्त की ये डिमांड है।
तो ये कुछ पोयम के बारे में था। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। पहली चीज तो इसमें राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो ए बी ए ए है। ओके, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन मैच कर रही हैं, ए बी ए ए। ओके, और सेकेंड लाइन अलग है। ऐसे ही जो सेकेंड स्टेंजा है इसमें ए बी ए है राइमिंग स्कीम। ओके, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ मैच कर रही हैं। ऐसे ही जो लास्ट है यानी फिफ्थ लाइन, वो भी फर्स्ट और थर्ड से मैच कर रही है, ए बी ए। ओके, इसके अलावा कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें यूज हुए हैं, जैसे कि सिंबोलिज्म। जैसे हमने बताया, फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है ह्यूमंस की जो डिजायर्स हैं उनसे, और ऐसे ही इंडिफरेंट वाली जो फीलिंग है हेटरेड उससे। ओके, तो यहाँ सिंबोलिज्म है, इमेजरी है, ऐसे कल्पना की गई है कि वर्ल्ड एंड होगा। ओके, और वर्ल्ड एंड होगा तो कैसे एंड होगा इसकी कल्पना की गई है, देयर फोर हेयर इज इमेजरी। ओके, मेटाफोर है, मेटाफोर का मतलब सीधा सीधा है, फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है, ऐसे ही आइस को हेटरेट से कंपेयर किया गया है, तो इसलिए मेटाफोर है। ओके, आपको पता है कि मेटाफोर हर वहां होता है जहां की दो अलग अलग फिनोमिना को कंपेयर किया जाए और वहां कोई कंपेयर वाले वर्ड जैसे एज और दूसरे सो वगैरह यूज भी ना हो। ओके, तो वहां मेटाफोर होता है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज फायर एंड आइस लाइक वाइज डिजायर एंड हेटर्ड आर कंसिडर्ड एज एक्टिव एज लिविंग बींग्स। ओके, दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग बींग्स, उनको डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया गया है, इसलिए उनको लिविंग बींग्स के तौर पे दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। एनाफोरा है, एनाफोरा हर वहां होता है जब किसी पोयम की दो लाइनें या दो से ज्यादा में सेम वर्ड या कोई सेम फ्रेज यूज होता है, रिपीट होता है, जैसे यहाँ सम से। ओके, तो यहाँ पे एनाफोरा है। इसके अलावा अलिटरेशन है, अलिटरेशन जब कभी एक ही वर्ड में एक ही लाइन में एक से ज्यादा वर्ड एक ही साउंड से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ फेवर फायर। ओके, इसके अलावा भी कुछ हैं और, लेकिन वो हम उनको यहाँ गौर नहीं के देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत शायद आपको नहीं है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।